रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दो हादसे, महाराष्ट्र में ट्रक कार की भिड़ंत में 10 की मौत। हिमाचल में बस के खाई में गिरने से 4 की जान गई। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार की वजह से दोनों गाड़ियां आमने सामने टकराई हैं। यवतमाल शिमला, शुक्रवार को दो अलग अलग सड़क हादसों में 14 लोगों की मौत हो गई। एक हादसा महाराष्ट्र के यवतमाल में हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक और कार की टक्कर भिड़ंत में 10 लोगों की मौत हो गई। दूसरी दुर्घटना हिमाचल प्रदेश में हुई, यहां एक बस के खाई में गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। पंजाब से नांदेड़ साहब जा रहा था परिवार यवतमाल। पुलिस के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। कार में पंजाब का एक परिवार था। दैश हादसे के वक्त कार में ड्राइवर समेत 8 लोग सवार थे। ये लोग नांदेड़ साहब दर्शन के लिए जाते, दैश टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के पर खच्चे उड़ गए। कार के शवों को बाहर निकालने के लिए कार को मशीन से काटना पड़ा। तेज रफ्तार होने के कारण हुई दुर्घटना, जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार होने के कारण यह दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की भी मौत हो गई। दैश हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए यवतमाल के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। हिमाचल में बस गिरी, 4 की मौत। उधर हिमाचल प्रदेश में तियोग के पास एक बस के खाई में गिरने से 4 की मौत हो गई और 26 लोग घायल हो गए।